हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर स्टोरी वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है द किंगडम अंडर द सी। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड इंटरप्रेट इन आर ओन लैंग्वेज हिंदी। सो स्टोरी बिगिंस, होडरी वॉज अ ग्रेट फिशरमैन। होडरी नाम का एक मछुआरा था एंड होरी हिज यंगर ब्रदर और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम होरी था। वॉज अ स्मार्ट हंटर और उसका छोटा भाई काफ़ी अच्छा शिकारी था। वन डे द टू ब्रदर्स डिसाइडेड टू स्वैप वेपन्स। एक दिन दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों अपने शस्त्रों को, दोनों अपने वेपन्स को बदल लेंगे एक दूसरे से। सो होडरी टुक होरीज बो एंड एरोज। तो जो होडरी था, जो बड़ा भाई था, उसने होरी उसके छोटे भाई के धनुष और बाण ले लिए। एंड होरी टुक हिज ब्रदर्स फिश हुक और जो होरी था उसने उसके बड़े भाई का जो फिश हुक था जिससे वो मछलियाँ पकड़ता था वो ले लिया। दे अग्रीड टू मीट एट द एंड ऑफ द डे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब दिन ख़त्म होगा तो वो दोनों मिलेंगे। एंड टेल ईच अदर्स देयर एडवेंचर्स और उनके साथ में पूरे दिन भर क्या हुआ, क्या एडवेंचर उन्होंने किया, क्या एक्साइटमेंट उन्होंने वो पूरे दिन भर में देखी, तो वो सब कुछ एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। बट इट सीम एज इफ देयर वुडंट बी मच टू टेल। लेकिन ऐसा लगता था कि उनके पास में बताने के लिए एक दूसरे को बहुत कुछ नहीं है। बिकॉज बोथ ब्रदर्स वर अनलकी, क्योंकि दोनों ब्रदर की किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनका एक्सपीरियंस ऑर्डिनरी सा एक्सपीरियंस था, कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ पूरे दिन भर में। होरी डिड नॉट कैच अ सिंगल फिश ऑल डे। होरी को दिन में, पूरे दिन में एक भी मछली नहीं मिली। एंड वॉट वॉज वर्स, ही ड्रॉप्ड हिज ब्रदर्स फिश हुक इनटू द वाटर। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि उसके भाई का जो फिश हुक था वो भी उसने पानी में गिरा दिया था। वॉट आई एम गोइंग टू डू, ही सैड। तो होरी अपने आप से क्वेश्चन पूछते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा, जब उससे उसका हुक खो गया था। तो होडरी इज़ गोइंग टू बी सो एंग्री विद मी और उसका जो भाई है, बड़ा भाई है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज होगा। द होडरी केम बैक फ्रॉम हिज डे हंटिंग इन अ बैड मूड और जो उसका बड़ा भाई था होडरी, वो भी वापस से आया और उसका मूड काफ़ी ख़राब था। हंटिंग इज़ स्टुपिड और वो क्या बोलता है कि हंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम है और ये स्टुपिड लोगों का काम है। आई डिड नॉट कैच एनीथिंग, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। गिव मी बैक माई हुक, मुझे अपना हुक वापस दे दो। ही वॉज वेरी अपसेट वैन होरी टोल्ड हिम द हुक वॉज लॉस्ट और जब होरी ने होडरी उसके बड़े भाई को ये बताया कि उसका जो हुक है वो खो गया है, वो समुद्र में गिर गया है, तो उसका बड़ा भाई काफ़ी अपसेट हुआ ये सुनकर। होडरी रिफ्यूज टू हैव एनी अदर हुक, होडरी को और दूसरा हुक पसंद नहीं आया। सो होडरी वॉज लोअर्ड इन टू द सी इन अ बास्केट टू सर्च फॉर मिसिंग वन। तो होडरी ने यह डिसाइड किया कि वो एक बास्केट में बैठकर समुद्री यात्रा पर जाएगा, मतलब समुद्र में जाएगा अपने हुक को ढूंढने के लिए। ही सून फाउंड हिमसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द सी इन द पैलेस ऑफ द सी गॉड। तो वो जाता रहा, आगे बढ़ता ही रहा, तो वो एक जगह पहुंचकर उसे ये फील होता है कि वो समुद्र के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जहां पर उसे एक सी गॉड दिखाई देते हैं। होरी आस्क ऑल द फिश इफ दे हैड सीन होडरीज हुक। होरी ने सभी फिशेस से पूछा कि क्या उसने होडरी का, जो उसका बड़ा भाई था, उसका हुक देखा है। At last he found one who had her mouth. और लास्ट में उसे एक मछली मिलती है जिसके मुंह में जो हुक था वो फंसा हुआ था। Of course, Hori should have gone back then, but he met the beautiful daughter of the sea god. बिल्कुल सही है कि अगर Hori को वो हुक वापस से मिल ही गया होगा तो वो वापस लौट गया होगा, लेकिन लौटते समय में ही उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत सी गॉड की डॉटर से होती है जिसका नाम होता है टोयाटमा, वॉज हर नेम। एंड शी वॉज एज लवली एज अ चेरी ब्लॉसम और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बट बोथ टोयाटमा एंड हर फादर कुड चेंज इनटू वाटर ड्रैगन्स व्हेन दे वांटेड। लेकिन वो लड़की और उसके फादर, उनके अंदर एक खूबी थी, उनके अंदर एक स्किल थी कि वो अपने आप को जब चाहे तब
एक ड्रैगन में बदल सकते थे। होरी एंड टोयोटोमा मैरिड एंड लिव्ड सो हैप्पीली टुगेदर, और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। दैट होरी फॉरगॉट ऑल अबाउट रिटर्निंग द फिश हुक, लेकिन जो होरी फिश हुक लेने के लिए आया था वो अपने फिश हुक को उसके भाई को लौटाना ही भूल गया। एंड ही फॉरगॉट हिज ब्रदर होड्री टू, और वो अपने भाई होड्री को भी भूल गया। आफ्टर 3 years होरी सडनली रिमेम्बर्ड हिज ब्रदर एंड डिसाइडेड ही वुड रिटर्न टू लैंड एंड गिव द हुक बैक टू होड्री। और 3 साल बाद होरी को ये होश आया, उसे याद आया कि उसका एक भाई भी है जिसका हुक वो यहाँ पर लेने के लिए आया था, तो उसने लैंड पर दोबारा से जाने के लिए डिसाइड किया और ये डिसाइड किया कि वो अपने भाई होड्री को वो हुक वापस दे देगा। टोयोटोमा वॉज सैड, उसकी जो वाइफ थी टोयोटोमा वो काफ़ी उदास थी। आई विल कम एंड फाइंड यू होरी, शी सैड। तो उसने होरी से, अपने हस्बैंड से ये कहा कि मैं आऊँगी और तुम्हें ढूंढ लूँगी, फॉर आई एम गोइंग टू बियर योर चाइल्ड, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने ये अपने हस्बैंड होरी से कहा। होरी किस्ड हर गुड बाय एंड स्वैम टू द सरफेस, होरी ने उसको किस किया, गुड बाय बोला, और उसके बाद में फिर वो सरफेस पर चला गया। नाउ हैप्पी होड्री वॉज टू सी हिज ब्रदर अगेन, और जो उसका भाई था होड्री वो काफ़ी खुश हुआ अपने भाई को दोबारा से देखकर। आई थॉट यू हैड बीन ड्रॉन ईयर्स अगो, ही सैड। तो उसके बड़े भाई होड्री ने उसके छोटे भाई होरी से कहा कि मुझे लगा कि तुम तो समुद्र में डूब गए हो और तुम कभी वापस नहीं आओगे। प्रिंसेस टोयोटोमा केम टू द शो एंड गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। टोयोटोमा किनारे पर आती है और एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत बेबी बॉय को जन्म देती है। देन शी टर्न इंटू अ ड्रैगन, और उसके बाद में फिर वो ड्रैगन में टर्न हो जाती है, मतलब कन्वर्ट हो जाती है। एंड रिटर्न टू हर किंगडम, और अपने राज्य में वापस लौट जाती है जो कि समुद्र के अंदर था। होरी सन बिकेम द फादर ऑफ द फर्स्ट एम्परर ऑफ जापान, और होरी का जो बेटा था जिसको जन्म दिया था सी गॉडेस ने, वो जापान का पहला एम्परर बना आगे चलकर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्टोरी, होप दैट यू लाइक इट, और ये स्टोरी आपको समझ में भी आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, उनकी भी हेल्प हो सके ऐसे ही स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश सीखने में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Till then, very goodbye to all of you.